सुबह की भागम भाग सबके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। हमें बहुत सारे काम निपटाने होते हैं, बच्चों के, हस्बैंड के, बहुत सारे टिफ़िन बनाने पड़ते हैं, खुद के लिए भी देखना पड़ता है, बहुत सारा काम होता है। इस तरीके से हम कैसे करें आसान पूरे वीक को, चाहे तो हम हाउसवाइफ हों या वर्किंग, लेकिन काम तो सभी के पास ही होता है और हमें किचन को भी देखना पड़ता ही है, चाहे हमारे पास हेल्पिंग हैंड है या नहीं है, फिर भी हमें देखना ही पड़ता है। तो ऐसे में हमें क्या ऐसा काम करें, कैसे हम ऐसी प्लानिंग करें जिससे हमारा किचन जो है, किचन के जो सारे काम हैं, बहुत ही व्यवस्थित हो जाएं और हमें बहुत इजी हो जाए किचन का काम करना। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आपको कुछ ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो इस तरीके से है। सबसे पहले जब आप शुरू करते हैं, जैसे हम सैटरडे या संडे आप फ्री रहते हैं, फ्री तो नहीं रहते, बहुत सारे काम अपने पास होते हैं, लेकिन हमें कुछ समय निकालना पड़ता है छुट्टी के दिन कि हम पूरा संवार के रखें। तो आप मार्केट जाने से पहले आप पहले फ्रिज को ज़रूर चेक कर लें। फ्रिज में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम डबल ले आते हैं, या ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी पहले से ही रखी हैं, वो सड़ रही हैं, तो हमें उन्हें भी ठीक करना होता है, यूज़ करना होता है, तो हमें फ्रिज को ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद आपका जो मेन पार्ट है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनकी पसंद क्या है। आप यदि साउथ इंडियन हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जैसे नारियल, इमली, ये चाहिए। अगर आप नॉर्थ साइड के हैं तो आप कुछ पनीर, एग, इस टाइप की चीज़ें चाहिए, तो आप अलग अलग चीज़ें, ब्रेड चाहिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। तो उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी होगी, उसमें आपको ये देखना होगा मेन्यू में कि आपको कौन कौन सी दालें लगती हैं, वो दालें बराबर हैं कि नहीं। जैसे हमें हफ्ते डेली में सुबह से शाम तक एक दाल तो ज़रूर लगती है, तो हम ये एक मेन्यू बना लें, जैसे तुअर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, मिक्स दाल, इस टाइप की सब्जियां हम लें। और जैसे छोले राजमा है, हफ्ते में हमें एक बार ज़रूर बनाना चाहिए, या छोले हो गए या राजमा, किसी वीक आपने चने बना लिए, रवास बना ली। हरी सब्जियां हमें 3 से 4 बार हमें बनानी होती हैं, मेथी है, पालक है, बथुआ है, लेकिन सारी ला के आप ढेर मत कीजिए। किसी हफ्ते आप कोई सब्जियां लाइए, किसी हफ्ते आप कोई सब्जियां लाइए। जैसे एक वीक में आप लाइए कद्दू तो दूसरे वीक में लाइए आप लौकी, क्योंकि जो घर के मेंबर्स हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो बोर ना हो जाए एक ही सब्जी से। तो आपको ये थोड़ा मेन्यू बनाना पड़ेगा। रसेदार सब्जियां बनानी है, घर में पनीर होना चाहिए, ब्रेड होनी चाहिए, अगर एग लेते हैं तो एग होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। नॉनवेज लेते हैं तो नॉनवेज कहाँ से लाना है, किस तरीके से कैसे रखना है, वो सारा आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। उसके बाद आप जब मार्केट जाते हैं, सारी सब्जियां आप लेकर आते हैं, उसे आप किस तरीके से व्यवस्थित रखें कि फटाफट फ्रिज में से एक जिप लॉक निकाला या बॉक्स निकाला और आपका काम बहुत ही इजी हो गया। आपको याद होगा मैंने 15 या 20 मिनट में खाना कैसे बनाए, मैंने एक वीडियो डाला है और वीडियो को बहुत लोगों ने, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने देखा है, बहुत सारा प्यार भी दिया और बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहूँगी कि मैंने सब्जी काटने की तैयारी पहले से ही करके रखी थी, उसके लिए मैंने 15 से 20 मिनट काउंट नहीं किया। लेकिन तैयारी होने के बाद भी हम सोचे नहीं हमें क्या बनाना है, 15 मिनट हम सोचने में ही लगा देते हैं, चाहे हाउसवाइफ भी सोचते रहते हैं आज बनाना क्या है, तो वो नहीं होना चाहिए। हमें पहले से माइंड में सेट होना चाहिए कि आज हमें ये बनना है, उससे हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है और कटी हुई सब्जियां, सारी धुली हुई सब्जियां हमें मिल जाती हैं, तो हमारा काम और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। और ये टास्क सब लेडीज़ को लेना पड़ता है, तो हम क्यों ना ऐसा काम करें जो हमारा बहुत ही, जो पूरा वीक है बहुत आसान सा हो जाए। उसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। सबसे पहले जो हम सब्जियाँ लाते हैं इनमें क्या होता है, केमिकल ये लोग यूज़ करें या ना करें, लेकिन क्या होता है इन सब्जियों के हाथ बहुत लगते हैं, बहुत लोगों के, तरह तरह के लोग आते हैं मार्केट में सब्जियां लेने, तो उनके हाथ तो बहुत लगते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जब हमें इसका वॉश करना चाहिए उस समय या तो थोड़ा सा नमक या सिरका ज़रूर डालेंगे, तो उससे क्या होगा ये सब्जियां बहुत अच्छे से वॉश हो जाएंगी, उसके बाद हम इसे पोछेंगे। तो इस तरीके से धोते टाइम हमें नमक ज़रूर डालना चाहिए। अब जैसे हमारे पास पत्तेदार सब्जियां होती हैं,
अब पत्ते वाली सब्जियों को हमें किसी टाइम टाइम निकालना चाहिए और उसे इस तरीके से रखना चाहिए। अगर मैं सब आपके सामने करती हूँ तो उससे वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ मैं कैसे रखती हूँ, ये जैसे मेरे पास है पुदीना। अब पुदीने को मैंने साफ़ करके ऐसे एक पेपर टॉवल जो होते हैं और उसमें लपेट के मैंने रख दिया है। ये 1 वीक के लिए मेरा पुदीना ख़राब नहीं होगा। जब मुझे मन चाहेगा मैं रायते में या चटनी बनाने में या जैसे भी सैलेड में डालूंगी तो मेरा ख़राब नहीं होगा। ये पूरा 1 वीक चलेगा। और मैंने ये अलग अलग एक ही जगह, इधर मैंने धनिया रख दिया है, ये साफ़ है। जब आपका मन करे इसको काट के यूज़ करो या काट के भी आप इसमें रखते तो आपका ये पुदीना या धनिया ख़राब नहीं होता। ख़ास तौर से मेरे को आपको ये बताना है, जैसे मैंने ये कोई भी सिंपल सा बॉक्स लिया है तो बच्चे जो या मतलब मेरे व्यूअर्स जो पूछते हैं कि हमें कौन से डब्बे लेने चाहिए, तो आप कोई भी डब्बा ले सकते हैं। आप यूज़ एंड थ्रो वाले डब्बे भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आप ये देखिए मैंने स्टील के डब्बे में भी रखा है। ये देखिए ये मेथी रखी हुई है और मेथी को भी मुझे पता है मेरे पूरे वीक में मेथी कम से कम 2 बार बनेगी और मैंने इसलिए इसको 2 बैचेस में डाल दिए हैं। ये देखिए मेथी कितनी अच्छी पड़ी हुई है और बिल्कुल इसमें ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। 8 से 10 दिन, मतलब मैं तो 8 दिन बोल रही हूँ 1 वीक के लिए, 7 दिन के लिए, लेकिन ये 8 से 10 दिन तक आपकी खराबी होगी अगर आपने फ्रिज में इस तरीके से साफ़ करके रख दी। वीक में 1 दिन टाइम ज़रूर देना पड़ेगा लेकिन आप पूरा फ्री हो जाएंगे। ये देखिए मेरे पास अलग अलग बैचेस में पालक रखा हुआ है। जैसे हमारे घर में सिर्फ हम 3 ही मेंबर हैं तो होता क्या है कि मुझे एक बंच पालक लेती हूँ तो मुझे 2 बार बनानी पड़ती है। जैसे एक बार मैं पालक पनीर बना दूँगी, एक बार मैं चना दाल बना दूँगी पालक के साथ, तो मुझे 2 जगह इसको डिवाइड करके रखना है, जिससे क्या होगा कि मुझे बार बार सबको नहीं खोलना पड़ेगा और जब भी मैं खोलूँगी इसका ये जो मॉइस्चर आ जाता है उसे साफ़ करके ही रखना होगा। ये वीडियो मैंने पहले बना चुका है, आपने देखा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। जैसे ये मेरे पास डिवाइडर बॉक्स है, इसमें मैंने कुछ अदरक, जैसे मुझे जितनी लगती है अदरक, लहसुन लगती है, यहाँ मैं मीठा नीम रख दूँगी, ये मैं हरी मिर्च है, हरी मिर्च की डंठल तोड़ दूँगी, अदरक को साफ़ करके पोंछ के रखा हुआ है, लहसुन को आप किस तरीके से छीलें वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ईजी रहता है। सबसे पहले लहसुन जो होती है उसे इस तरीके से ठोक दीजिए तो ये लहसुन अलग अलग हो जाएगी और इसे हम साफ़ कर देंगे। और एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, जो लहसुन के लिए जो आप नाइफ़ लें हमेशा उसके लिए अलग ही नाइफ़ लें, क्योंकि लहसुन का जो फ्लेवर आ जाता है वो बहुत ही ख़राब सा लगता है दूसरी सब्जियों के साथ, फिर हर बार आपको वो सब्जियों में वही फ्लेवर आता है, इसलिए लहसुन का चाकू जो है हमेशा आप अलग ही रखिए। बस ये आप तोड़ देंगे ना, इस तरीके से बहुत ईजी हो जाएगा लहसुन को साफ़ करना। जैसे इस काशीफल का जो ये कद्दू बोलते हैं इसका कुछ नहीं बिगड़ता, 1 वीक तक कुछ भी नहीं बिगड़ना। अगर आप छिलका खाते हैं तो छिलके समेत काटिए, अगर छिलके के बिना खाते हैं तो छिलके को हटा के आप इसे पीसेस में करके रख लीजिए। मेरे को किसी किसी पार्ट में छिलका पसंद आता है तो मैं 80% हटा देती हूँ लेकिन 20% रखती हूँ छिलके, मुझे पसंद आते हैं, तो इस तरीके से आप रख दीजिए। आज मेरे पास जिप लॉक एक्चुअल कम हो गए, ख़त्म हो गए हैं, तो इसलिए मैं डब्बों में रख रही हूँ। एक्चुअल डब्बे ज़्यादा जगह घेरते हैं फ्रिज में, हमें जिप लॉक में रखने चाहिए एयर निकाल के, उससे क्या है हमारी जगह बहुत कम लगेगी फ्रिज में। इस तरीके से आप गोभी को भी काट के और बॉक्स में रख सकते हैं, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। शिमला मिर्च को हम काटेंगे और शिमला मिर्च को ऐसे काटना चाहिए कि आपका वेस्ट जो है कम से कम जाए। अब ये देखिए इसका ये हटा दीजिए, ये शिमला मिर्च आपके यूज़ का है, और यहाँ से भी आप काट दीजिए और इसको इस तरीके से निकाल दीजिए। अब इसको ऐसे खोल दीजिए, इससे क्या है आपके लंबे पीस अगर आपको चाहिए या तिरछे पीस चाहिए या चौकोर पीस चाहिए उस हिसाब से आप काट के रख लीजिए। अगर आपको बिरयानी बनानी है तो थोड़ा सा लंबा काट लीजिए, मिक्स वेज बनानी है तो चौकोर काट लीजिए, कोई आप राउंड काट लीजिए, इस तरीके से आपको व्यवस्थित करके जैसे जैसे आपको वीक में लगता है उस तरीके से आप काटते जाइए। आपको कुछ चौकोर पीस चाहिए तो आप चौकोर पीस रख लीजिए, कुछ आपको लंबे पीस चाहिए होते हैं लंबे पीस रख दीजिए, कभी हमें कुछ टोस्ट वगैरह बनाने होते हैं तो हमने रिंग्स बना के रख दिए हैं, इस तरीके से आपने शिमला मिर्च रखना है। जैसे मूली है
मूली को आप सिर्फ छील के रख दीजिए, जब आपको सैलेड में खाना है तब आप इसके पीसेस करके जिस हिसाब से लंबा या राउंड या पराठा बनाना है मूली का तब उस समय आप ग्रेट कर लीजिए। तो सिर्फ छिली हुई होगी तो बहुत जल्दी आपका सैलेड बन जाएगा या आपका पराठा बन जाएगा। गाजर को भी आप छील के रख देंगे ना, तो अब आपकी साफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। गाजर के भी आप ऐसे गोल गोल पीस कीजिए, छोटा छोटा भी हमें कई जगह मिक्स वेज में बनानी होती है तब हमें छोटा छोटा पीस चाहिए होता है, या मेथी मटर गाजर हम बनाते हैं तब छोटा छोटा पीस चाहिए होता है, और जब कभी हमें बिरयानी में डालना होता है तो हमें लंबा पीस चाहिए होता है। तो इस तरीके से आप लंबा भी काटिए, इस तरीके से आप काट के रखिए। सैलेड के लिए भी आप काट के रख सकते हैं या वो उसी समय ही कट जाएगा। मैं इस टाइप से गाजर लंबी कटी हुई, ये गोल, ये शिमला मिर्च तीन टाइप से कटे हुए हैं, ऐसे मैंने मूली रखती है। इसी तरीके से मैं और सब्जियां रखती रहूंगी, जैसे मैं साइड से कुछ नींबू रख दूंगी, मुझे उठाने में एकदम से इजी हो जाएगा कि इसमें सारा सैलेड का सामान पड़ा हुआ है। अगर मेरे पास खीरे होते तो मैं दो पीस खीरे यहाँ पर लगा देती। मेरे पास भिंडी है, अब भिंडी का क्या है कि भिंडी को हमने धोना चाहिए और उसके बाद पोंछना चाहिए। हमने पोंछ लिए, अब जैसे इतनी भिंडी है, मुझे कुछ भिंडी बनानी होती है भरवा, तो मैं इसको चीरा लगा के इसे चेक करके रखती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता अच्छे से चेक करने का। तो कुछ भिंडी को मैं ऐसे छोटी छोटी काटती हूँ, तो उसे भी हमें बहुत अच्छे से देखना होता है कि कहीं ख़राब तो नहीं है भिंडी। गोभी को हमने इस तरीके से काट लिया है, ये हमारे पास कद्दू है और कद्दू के साइड में भी हम गोभी रख सकते थे। भिंडी को हमने दो टाइप से काट लिया है, थोड़ी लंबी है और ये थोड़ी बारीक कटी हुई है। बारीक कटी हुई मैं कभी कभी आलू के साथ बना देती हूँ, और ये लंबी वाली भी हम भिंडी प्याज बना सकते हैं। ये सहजन की फली है, उन्हें अच्छे से छील के हमने रख दिया है, काट के छील के। और टमाटर की प्यूरी आपके पास मैंने बताई दिया है, प्यूरी बना के काम चला सकते हैं, और नहीं तो आप साफ धुले हुए पोंछ के इस टमाटर को अरेंज करके रख दीजिए, जब आपको मन करे थोड़ी बहुत चॉपिंग आप कर सकते हैं। और बैंगन वगैरह आपको उसी समय काटने होते हैं, आलू कोशिश कीजिए उसी समय ही काटिए। लौकी अगर आपको एक आध दिन में चाहिए तब तो आप काटिए, इसको काट के जिप लॉक में डालकर इसकी एयर निकाल दीजिए तो ये साफ़ रहेगी, लौकी हो गई तोरई होगी। अगर आपको तीन चार दिन बाद लगेगी तब आप कोशिश कीजिए कि उसी समय काट लीजिए, या रात को काट के आप किसी बॉक्स में रख दीजिए, सुबह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लौकी के लिए मैं आपसे नहीं कहूँगी कि एक हफ़्ता पहले आप लौकी काट के रख लें, तो इसलिए इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। अब रहती है हमारे पास मेन चीज़ चॉपिंग, जो हमें सर दर्द होता है प्याज से। सजेस्ट करूंगी कम से कम 8 प्याज आप इस तरीके से छीलिए, और या तो किसी बॉक्स के अंदर या जिप लॉक में एयर टाइट करके आप इसे रख दीजिए, इसमें फ्रिज में स्मेल भी नहीं होगी और आपके सेफ रहेंगे। और यदि आपको किसी चॉपिंग करनी है तो इस टाइप का एक चॉपर आता है, बहुत ही इजीली मिल जाता है, ये तो टपरवेयर का है, टपरवेयर का थोड़ा महंगा जरूर होता है लेकिन वो बार बार हमें चेंज होके मिल जाता है। और नॉर्मल जो ऐसी टाइप के जो होते हैं वो 250 के मिल जाते हैं हमारे पास, तो इसमें चॉपिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये प्याज है, इस तरीके से डालें और आप देखिए इसको 4 या 5 बार पीसने से फाइन प्याज हो जाता है। आपको जिस किसी के लिए भी चाहिए, सैलेड के लिए, किसी भी सब्जी के लिए, और इससे मोटा चाहिए तो आप 3-4 बार खींचिए, 3 बारी खींचिए, और ज़्यादा बारीक चाहिए तो 6 बार खींच लीजिए। ऐसे ही आप टमाटर को काट के इसमें घिस लीजिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। अगर आपको लंबा प्याज चाहिए तो आप लंबा काट के रख लीजिए, और ये काम आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्याज काटिए, ये देखिए, ये टमाटर लिया, टमाटर का ये वाला पार्ट हटा दिया, और इसमें आपने मोटे मोटे पीस डाल दीजिए। कई बार अपने यहाँ लाइट नहीं होती, मिक्सी का हमें काम ही नहीं है। ये देखिए कितनी, मतलब मिक्सी में जैसे सब्जी में हमें चाहिए होता है ना, बहुत फाइन सा उसमें हो जाएगा। ये देखिए, अगर मुझे 6-7 भी मिर्ची चाहिए होते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी क्विक, ये देखिए ये अदरक कितनी फाइन, बहुत ही बढ़िया।
चाइनीज वगैरह बनाना हो उसके लिए चॉपर बेहद अच्छा, छोटा सा है, लाइट का टेंशन है नहीं और हर चीज़ बहुत बढ़िया फाइन कट जाती है। सब्जियाँ हम इजीली काट लेते हैं, ये छोटी छोटी जो सब्जियाँ होती हैं उन्हें हमें काटने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, हाथ भी खराब होते हैं। ये देखिए इस तरीके से अगर आप एक रात पहले भी कोई चीज़ों का तैयारी करके रखेंगे ना, आराम से आप सब सुबह हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों की तैयारी अब करके रखते हैं तो आप बिल्कुल ही फ्री रहते हैं पूरा हफ्ता। जब भी मन किया, बॉक्स निकाला और आपने काटना शुरू कर दिया, पैन रख के शुरू कर दिया, क्योंकि हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है कि क्या काटना है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। एक चीज़ और भी आप कर सकते हैं, जैसे घर में आपके यहाँ छोले या राजमा हैं वो भी आप भिगो के उसे बॉयल करके भी आप फ्रिज में रख सकते हैं, तो वो भी 1 वीक तक आपके लिए इजी हो जाएगा। कभी आपने सैलेड बनाया, कभी चाट बनाया, कभी सब्जी बना दी। इस तरीके से आप प्लानिंग कीजिए, आपका वीक भी हो जाएगा बहुत आसान। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।